तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तों अगर आप भी फिलहाल के टाइम पर सुजुकी की अर्टिग लेने का प्लान कर रहे हो जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली सेवन सीटर कार है एंड फैमिली के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार भी मानी जाती है चाहे आप ले लो इसकी रिलायबिलिटी चाहे आप ले लो मारुति की सर्विस एंड प्लस इसकी जो माइलेज है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी मिल जाती है दोस्तों सो तो ऐसे में अगर आप अर्टिग का वी एक्स लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं वी एक्स के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कैश प्लस फाइनेंस दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे प्लस डाउन पेमेंट एंड ई आपका कितना आपका कितना है, प्राइस है, वो निकल जाता है जो की सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाता है अराउंड एटी एट थाउजेंड रुपीज का एंड प्लस आपको जो इंश्योरेंस है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा लगभग फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का ऐसे में इस कार का जो ऑन रोड प्राइस है वो बन जाता है लगभग 11 लाख बीस हजार रूपए के आसपास ये जो वैल्यू है दोस्तों ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो आपको वो फिगर सिर्फ आपके नियरेस्ट शोरूम से ही पता करनी होगी अब दोस्तों बात करें इस कार के ऊपर लोन एंड ई एम के बारे में तो यहाँ पर अगर बात करें कि आपने डेढ़ लाख रुपए का यहाँ पर डाउन पेमेंट कर दिया तब जो आपका ई है वो कितना बनने वाला है जी हाँ दोस्तों तो मान लेते हैं आपने डेढ़ लाख रुपए का अगर डाउन पेमेंट कर दिया तब आपका जो लोन अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है अप्रोक्सीमेटली नौ लाख सत्तर हजार सो ऐसे में अगर बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान के चले नाइन परसेंट तब आपका जो ई है वो कितना बनने वाला है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम नाइन परसेंट मान के चलेंगे अगर आप सात साल के लिए ये लोन लेते हैं तब आपका मंथली ई आने वाला है फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के आसपास एंड वहीं अगर आप अपना लोन जो है वो सिर्फ पाँच साल के लिए लेना चाहते हैं तब आपका मंथली ई एम आई आ जाएगा लगभग ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ के आसपास नेक्स्ट एक और ऑप्शन है दोस्तों अगर आप अपना डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं यानी कि अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया लगभग पाँच लाख रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हैं तब जो आपका जो लोन अमाउंट है वो आपका बन जाएगा लगभग छः लाख बीस हजार रुपये के आसपास अगर छः लाख बीस हजार रुपये आपका लोन अमाउंट है नाइन परसेंट के हिसाब से अगर पांच साल के लिए आप लोन लेते हैं तब आपका जो मंथली एम है वो बन जाता है नियर अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज वहीं अगर आप सात साल के लिए लेते हैं तब आपका जो मंथली एम है वो बन जाता है नियर अबाउट नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज लगभग दस हजार के आसपास आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन ऐसे में दोस्तों बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी डिफरेंट होते हैं तो नियरेस्ट शोरूम से प्लस बैंक से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर कन्फर्म कर ले साथ ही नीचे आप कमेंट करिए कि ग्यारह बारह लाख में आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में